संपत्ति की रुपए डॉलर की है, जमीन जायदाद की है। अपने पास जमीन हो, जायदाद हो, बैंक में पैसे हों, हाथ में पैसे हों, तनख्वाह मिलती हो या दूसरा कोई आय का स्रोत हो, इसमें कोई बुराई नहीं बल्कि निश्चिंतता है, व्यक्ति सुखी हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी धर्म के लिए, गुरुओं के लिए, समाज के लिए, विधवाओं के लिए, अपंगों के लिए, अपाहिजों के लिए, कन्याओं की शादियों के लिए, गौ की रक्षा के लिए, जीव रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए, अर्थात परहित के लिए अर्पण ना करता हो, दान ना करता हो, तो ऐसी माया उसका नाश करने वाली होती है। और जो गुरु वचनों से यथाशक्ति अंश दान कर देता है, वो माया जो है उसको तारने वाली है, दान माया। जो धनवान व्यक्ति है दान नहीं करता, समर्थ है दान नहीं करता, परोपकार नहीं करता, भले ही दिखने में वो सुंदर लगे, मानो खुशबू उठ रही है, लेकिन उसके अंदर अंतःकरण में दुर्गंध है, समाज को सुखी नहीं कर सकता।